कुछ भाई का सवाल है कि मुझे साइबर कैफे खोलने का मन करता है लेकिन मन में बहुत सारा डर है, वो डर को कैसे दूर करेंगे। साइबर कैफे खोलने के लिए इच्छा अंदर से है लेकिन खोल नहीं पाते हैं। कुछ करना लाइफ में चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आखिर कहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, इसका जवाब जैसे मैं इस वीडियो में आपको जैसे देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग को कमेंट आता है कि भाई मुझे साइबर कैफे कहाँ पे खोलना चाहिए, भाई मुझे साइबर कैफे खोलने का मन है लेकिन अंदर से बहुत डाउट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे काम करेगा, दुकान कहीं बैठ नहीं जाएगा, पूंजी लगा देंगे कहीं लॉस नहीं हो जाएगा। ऐसा सवाल जो है इसे मन में आप लोगों को चलते रहता है। जो लोग नया साइबर कैफे वाले हैं उनके लिए है। कभी कभी ये होता है ना कि हमको इच्छा बहुत ज्यादा होता है और किसी साइबर कैफे वाले से सलाह लेते हैं, वो क्या करता है कि हमको बिगाड़ देता है। देहाती भाषा में जो इसे बिगाड़ देना या टहला देना या भरमा देता है कि भाई तुम्हारा बस की बात नहीं है। साइबर कैफे खोलने के लिए बहुत सारे पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, आईडी चाहिए, बहुत सारे काम सीखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कर करके आपका दिमाग जो है इसे बहुत चला देंगे, उसके बाद आपका ट्रैक जो है इसे हट जाएगा। बहुत सारे लोग तो आपको इतना बता देंगे कि पूंजी के पूरा पूंजी फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएंगे। दोस्त याद रखिएगा, ये सलाह आपको वही लोग देंगे जिनको पता रहता है कि साइबर कैफे में जो है अच्छा खासा इनकम होता है। वही लोग पता है दूसरा को जो है टांग खींचते हैं और उनका सपना को जो है बीच में से तोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं और आपको भी अगर किसी से सलाह लिए होंगे वो लोग भी आपको बताए होंगे कि साइबर कैफे का बिजनेस अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्त मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि साइबर कैफे का बिजनेस कितना बेटर होता है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले अगर आपके मन में कोई भी अगर सवाल है उसको बिंदास जो है आप निकाल दीजिए। हम एक चीज बता देते हैं, मान लीजिए अगर हम साइबर कैफे में 1,00,000 रुपया फंसा देते हैं यानी पूंजी लगा देते हैं तो बस सीधा सुनते जाइए, 1,00,000 रुपया हमको वन टाइम लगाना, याद रखिएगा वन टाइम। एक बार सारा सामान अगर हम खरीद लेते हैं उसके बाद हमको कोई सामान खरीदना नहीं पड़ता है दोस्त। उसके बाद सिर्फ हमको फोटोकॉपी, पेपर, इंक, बस यही चीज खरीदना पड़ता है। दोस्त याद रखिएगा, शुरुआत में थोड़ा कठिनाई तो होगा लेकिन जो कठिनाई का सामना कर लिया है आज के डेट में इतिहास वही रचा है। कल के डेट में अगर हम भी अगर साइबर कैफे से अगर भाग जाते, फील्ड को छोड़ देते, काश मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो कहीं ना कहीं मेरे भी ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे लेकिन सबको जैसे हम साइड में रख के और साइबर कैफे का बिजनेस किए। क्योंकि दो शक्ति पता, जो आपके अंदर जो इच्छा रहेगा उसी फील्ड पर आप काम कर पाइएगा। अगर दूसरा की इच्छा के अनुसार आप काम करते हैं तो कभी लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। एक साइबर कैफे एक ऐसा बिजनेस है अगर आप खोल भी लेते हैं तो अच्छा खासा जो है इनकम दोस्त होता है। उसके बाद आप लोग के मन में और सवाल चलते रहता है कि साइबर कैफे खरीदने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, आईडी कहां से लाएंगे, लाइसेंस कहां से लाएंगे, सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, ऐसा आपके मन में सवाल जो है चल रहा होगा। लेकिन दोस्त सबसे पहले हम बार बार ये चीज बताते हैं, इस सवाल जितना भी आपके मन में चल रहा है उसको दूर कर दीजिए। दोस्त बता देते हैं, जैसे ही आप दुकान स्टार्ट कर दीजिएगा, बिजनेस स्टार्ट कर दीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपका जो है नॉलेज जो है बढ़ता चला जाएगा और आपका हर एक रास्ता जो है आपको दिखाई देने लगेगा। आईडी कहाँ से लेना है, कौन काम कैसे होता है, कौन काम ये काम कैसे होगा, ये आईडी कहाँ से मिलेगा, बस ऐसे कर करके आपका जो है रास्ता मिलते जाएगा। बस बहुत सारे लोग कस्टमर आपके दुकान पर आएंगे, वही लोग आपको जो है बता देंगे कि फलाना आदमी के जगह पर जो है आईडी मिलेगा, वहाँ से ये काम होता है, यहाँ से ये काम होता है। ऐसे कर करके दोस्त दुकान पर कुछ अच्छा लोग भी आते हैं, कुछ खराब लोग भी आते हैं। जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे वो आपके लिए जो कहीं ना कहीं फ्री का ज्ञान देंगे और फ्री का ज्ञान जो है बहुत ही अच्छा अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको बेकार ज्ञान देंगे जिससे आप मोटिवेट जो नहीं होके डिमोटिवेट हो जाइएगा। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपके मन में अगर सवाल है, जवाब है, तो आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपको बताऊंगा सही हाल कि साइबर कैफे बिजनेस में क्या है नहीं है। दोस्तों मैं 5 साल पुराना साइबर कैफे वाला हूँ और जिन्हें सुनने से स्टार्ट किया था, ऐसा बात नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे पास बहुत छोटा सेटअप था, धीरे धीरे इसको जैसे बड़ा सेटअप किया हूँ। एक साइबर कैफे खोलने के लिए दोस्त सबसे ज्यादा जो है मेहनत का जरूरी पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई फोन मोबाइल दे देता है, वो मोबाइल को चलाना कैसे जान जाता है, यहाँ पर गैलरी है, प्रोफाइल है, ये व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, यहाँ से स्टेटस लगाना है, यहाँ से अपडेट करना है, यहाँ से चैटिंग करना है, यहाँ से मैसेज डिलीट करना है, यहाँ से हटाना है, वो लोग कैसे सीख जाते हैं। सेम टू सेम चीज वही साइबर कैफ है। जैसे आप सामान खरीद लीजिएगा तो नया नया में फोटो कॉपी करने नहीं आएगा, इसे फोटोकॉपी होता है, इसे रंगीन होता है, इसे हेड क्लीनर होता है, उसके बाद ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ऐसे करके जो है धीरे धीरे आप ही जो है सीख जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। मेहनत ही सबसे बड़ा चीज है, आप जितना मेहनत करिएगा, जितना लगन से सीखना चाहिएगा,
उतना जल्दी जो है आप हर एक काम को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जो शिक्षा और बता देते हैं, आज के डेट में तो बहुत बड़ा चीज यूट्यूब का सहारा आदमी ले लेता है, जिससे माध्यम से भी आप कोई भी काम जो है से कर सकते हैं। आपको कोई काम नहीं आता है तो यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पर जो है से 90% जो है से सही सही वीडियो जो है से डला हुआ रहता है, उससे भी आप जो है से काम सीख सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे दुकान पर कोई कस्टमर आते हैं और बोलते हैं मुझे फोटो बनाना है, या भाई मुझे फोटो प्रिंट कर दीजिए, भाई फोटो को छोट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ऐसा ऐसा आपके कस्टमर दुकान पर आते रहेंगे। आप हर एक चीज का जो है से प्रथम दिन सीखिएगा, सेकंड दिन आपका दिमाग में घुस जाएगा, वही चीज को आप लगातार दोहराइएगा, दिमाग में आपका सेटअप हो जाएगा। आपके पास बुद्धि रहे या नहीं रहे, फिर भी साइबर कैफ को जो है आप नचा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को भर सकते हैं। क्योंकि दोस्त मैं बता दिया हूँ, साइबर कैफ अभ्यास का चीज है, आप जितना अभ्यास करिएगा, जितना काम करिएगा, आपका दिमाग में उतना ही सेट हो जाएगा। इस प्रकार से भी दोस्त काम को जो है से सीखा जाता है। दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी डर था वो डर जो है से थोड़ा मोड़ा निकल गया है। अगर नहीं निकल गया है तो आप मेरा जो है से ओल्ड वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना और लाइफ में जो है अच्छा रास्ता दिखाना। उसके बाद दोस्त बात करते हैं कि साइबर कैफ में कम से कम कितना पूंजी लगेगा। जो साइबर कैफ में कम से कम आपको जैसे 1,00,000 रुपया जो है से पूंजी लगेगा। उसके बाद में दोस्त लेना ही क्या है, आपको सारा चीज दिखाई देता है, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, यही सब लेना पड़ता है, लाइन लेना पड़ता है। दोस्त एक चीज और आपके मन में और एक सवाल चल रहा होगा कि बिना लाइसेंस के दुकान खुलेगा या नहीं खुलेगा। दोस्त मैं बताता हूँ, लाइसेंस का कोई जरूरी नहीं है। जैसे ही आप जो है CSE का ID लीजिएगा, जैसे ही आप जो है से स्पाइस मनी का ID लीजिएगा, मतलब काम साइबर कैफ में काम करने के लिए आपका वही लाइसेंस जो है से बन जाएगा। उसी को फोटो कॉपी करके आप दुकान में लगा सकते हैं। दोस्तों वो भी एक प्रमाणित होता है, क्योंकि आपके पास एक ID मिला है, सरकार का CSE ID मिलेगा, उसके बाद आपको जो है से लाइसेंस मिलेगा, वो भी प्रमाणित करता है इनका जो है से निवास यही है, यानी कि घर जो है से पर्सनल यही है, दुकान यहीं पे है, पर है आराम से बिंदास जो है से आप काम कर सकते हैं। एक साइबर कैफ को चलाने के लिए दोस्त दो ही आईडी का जो है बहुत योगदान होता है, एक CSE ID होता है और दूसरा जो है स्पाइस मनी का जो आईडी होता है, जिसमें आपको A to Z जो है सिस्टम दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो मैं चैनल पर जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। और साइबर कैप के बारे में कोई भी जानकारी लेना है तो आप मुझे बिंदास कमेंट कर दीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं हर कोई को जो है जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपके मन में अगर सवाल है कि मुझे साइबर कैप खोलना है तो खोल लीजिए, लॉस नहीं होगा, जहाँ तक फायदा होगा ये भाई का गारंटी है। अगर आप शिद्दत से काम करते हैं तो लाइफ में कभी जो है से प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जहाँ तक जो है से प्रॉफिट होगा भाई, ये भाई का वादा है। लेकिन अगर आप लोग सही से काम नहीं करिएगा तो फिर ये भाई को नहीं कहिएगा कि भाई जो है से गलत बोल कर चला गया है। अगर आप ईमानदारी से काम करिएगा, लगन से काम करिएगा दोस्त, तो जरूर जो है से इसमें पैसा आएगा। और दोस्त एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी साइबर कैफ का दुकान खोलिए तो लोकेशन को देख कर खोलिए कि कहाँ पर जो है ज्यादा आबादी है। दोस्त उम्मीद करते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से बोल रहे हैं एक भाई को छोटा सा जो है लाइक कमेंट करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ऐसा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।